आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बरखा अनुपमा और पाखी की लड़ाई करवाने के लिए उसे लालच देती है। वह उसे महंगे गहने दिखाती है जिससे पाखी की आंखें फटी रह जाती है। इसके साथ ही वह कहती है कि मेरे भाई की शादी के लिए मेरे बहुत अरमान थे, लेकिन अब यह शाह परिवार से हो रही है। यह सुनकर पाखी का दिमाग फिर जाता है और वह अनुपमा के पास उससे बात करने के लिए चली जाती है, लेकिन वह अनुपमा को यह कहते हुए सुन लेती है कि हमें ज्यादा खर्च नहीं करना है। आगे दिखाया जाएगा कि पाखी अपनी माँ से कहती है कि वह कपाड़िया हाउस की बहू है और इस घर की बहू की शादी इतनी चीप नहीं हो सकती, जिस पर अनुपमा उसे जवाब देती है कि वह अधिक मेहता की पत्नी है, कपाड़िया हाउस की बहू नहीं। लेकिन पाखी की बदतमीजी यही नहीं खत्म होती, वह अपनी माँ को जलनखोर का टाइटल देती है, साथ ही उसकी लाई हुई साड़ी भी पहनने से मना कर देती है। दूसरी तरफ ये चीजें देखकर बरखा मन ही मन खूब खुश होती है। अनुपमा अनुज से कहती है कि अगर वह पाखी और अधिक के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक काम करे कि उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दें। अनुपमा कहती है कि इससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियां समझ आएंगी। वहीं पाखी की बदतमीजियों के बाद यह माना जा रहा है कि अनुपमा वाकई में यह कदम उठाएगी।